उस्ताद के वालिद गिरामी शायर सफीना के एक मतले से आवाज देता हूँ और उसमें थोड़े से फर्क के साथ में उस्ताद को फिर उस्ताद आप पहले पढ़ें या नया भाई पहले नया भाई पढ़ दे खत्म हो जाए फिर मकसद क्या आप बुजुर्गी भी थोड़ा सा अब आखिर में आके ये सीनियरिटी का जरा सा नया भाई आ गए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर जनाब मोहतरम नायाब हलौरी साहब से तशरीफ ले आए और अब आखिर में गुजारिश करूंगा कि यह कुर्सियां उर्सियाँ तहा के रख दीजिए। अब दो बेरूनी शोरा कम से कम उनका ख्याल रखिए भाई जरा सा गुजारिश है भाई जरा सा अब यह कुर्सी उर्सी सब रख दीजिए जरा सा माहौल बन जाए भाई बहुत सीनियर शोरा हैं आप हाँ सीनियर शोरा हैं तशरीफ ले आए जनाब नायाब हलौरी साहब चार से हाजिर कर रहा हूं सदर मोहतरम आखिर ये हज परवरदगार ने तमाम आलम इस्लाम पे वाजिब क्यों किया बशर्ते इस्तेताद वाजिब क्यों किया हज का सबसे इधर तशरीफ लाइए हाँ और क्या सर तो आपका वैसे ही उठा हुआ है। अच्छा हज का सबसे अहम रुकन तवाफ़े काबा आखिर ये काबे का तवाफ करना हर मुसलमान पे वाजिब क्यों करम का तूफान बाढ़ पर है सितम का दरिया उतर रहा करम का तूफान बाढ़ पर सितम का दरिया उतर रहा किसी की सूरत खिली खिली है किसी अजान समझो नमाज समझो तवाफे काबा का राज समझो अजान समझो नमाज समझो तवाफे काबा का राज समझो दरअसल तेरे रजब से बढ़कर अली का सदका उतर
बहुत बहुत शुक्रिया और ये चैनल से और हाजिर एक मतलब एक शेर देखो कासा बकफ जो पहुंचा मैं उनके दयार में कासा तो जो फकीर फकीर लिए रहते हैं ना बर्तन काला वाला कासा बकफ जो पहुंचा मैं उनके दयार में देखा तो अंबिया भी खड़े हैं कतार कर रहा हूं भाई कि चल फिर के उसको ढूंढ ही लेगी वो ज़ुल्फ़िकार चल फिर के उस लाख छुपा हो हजार दुश्मन और ये चार विषय और हाजिर कर रहे हैं गदीर के हवाले शायद कहीं खुले हैं दरीचे जमीर के शायद कहीं खुले ज़मीर के छन छन के आ रहे हैं उजाले गदीर के छन छन के आ उजाले गदीर के महफिल में मजलिस में महफिल में मजलिस में बांट देते हैं हम बादशाहते फकीर जनाबे अमीर के
ذات محرم کی آمد آمد ہے. چار مصرع اور حاضر کر دے رہا ہوں. اکثر ہمارے کچھ احباب جب بھی کوئی مجلس برپا کرتے ہیں تو کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں, پتہ نہیں یہ ہو پائے گا کہ نہیں, وہ ہو پائے گا کہ نہیں, تبرک بریانی کی جگہ نان, ایڈجسٹمنٹ کی سوچتے ہیں. ان کے لیے ایک مشورہ ہے, محرم کیا ایک بار درود پڑھیں محمد والے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دراصل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس ہے, یہ محفل ہے, جو کچھ بھی ہے یہ ہم کر رہے ہیں, اس لیے وہ کشمکش. یہ چاروں مصرے ایسے ہی سوچ کے جو مالک ہیں. بہر تپسی میں تبرک بخل کرنا چھوڑ دو. یہ بخیلی مفلسی کی حد کڑی ہو جائے گی, غیب سے ہوتا ہے پورا مجلس سرور کا خرچ. پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو. پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جا. دروازی آئیے حضرت, میں ایک بڑی چھوٹی سی بہر کی منقبت ہے اور اسے میر حسن میر نے بھی اپنی کیسٹ میں پڑھا ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا. میں حاضر کر رہا ہوں مطلع, جو لوگ کربلا معلیٰ کی زیارت کر چکے ہیں وہ مطلع کی تائید کریں گے, اور جو ابھی شرف سے مشرف نہیں ہوئے مولا آج کی اس محفل سب. شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے, شہر سرور کی آب و ہوا سنو بیٹا, شہر سرور کی آب و ہوا ہر بلا اور ہے, کربلا اور ہے, ہر بلا اور ہے, کربلا اور ہے. مل کے جب بھی نعرہ لگائیے قسم خدا کی نماز
کہ نماز فرادہ پڑھ لیا کیجئے لیکن نعرہ بجماعت لگایا نعرہ حیدری شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے ہر بلا ہر بلا اور ہے کربلا اور ہے بھیا آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں یقین ہے کہ آپ کے دونوں بازو خیرات ہیں مولا عباس کے بازوؤں کے تو جب بھی ان کے بابا کا نام آئے دونوں بازوؤں کو بلند کر دیا حد میں رہو دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو اب بھی پردے میں ایک مرتضی اب بھی پردے میں اور ہے اب بھی پردے میں ایک مرتضی اور ہے دوسروں سے علی کا تقابل نہ کرے خاص طور سے دیکھیے گا دوسروں سے علی کا تقابل نہ کرے دوسروں سے خوش رکھے آپ کو اور آپ کی سماعتوں کو قسم خدا کی اس وقت اس طرح سے سننا یقیناً آپ پہ شہزادی کا کرم ہے حد سے اور ہے معجزہ اور ہے بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا کبریا کی قسم فاطمہ کبریا کی
कबरिया की कसम फातिमा और है। ऐ मुफस्सिर बता क्या तमाशा है, ऐ मुफस्सिर बता, ऐ मुफस्सिर बता क्या तमाशा है, ऐ मुफस्सिर बता क्या तमाशा है, ये आयतें और हैं तर्जुमा, शाही कहाँ खाने शाही कहाँ और तबर्रुक कहाँ, और तबर्रुक कहाँ खाने शाही कहाँ तबर्रुक कहाँ, लज्जतें और हैं जायका, लज्जतें और हैं जरा बेटा, लज्जतें और हैं जायका और है। और ये वो शेर पेश कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये पूरी मनकबत कही गई। शेर देखिए, इसमें मैंने रदीफ को इंट्रोगेटिव बनाया है, सवालिया भाई। दूसरा कोई शब्बीर कैसे मिले, दूसरा कोई शब्बीर कैसे मिले, दूसरा कोई शब्बीर कैसे मिले, क्या खुदा के अलावा खुदा, खुदा के अलावा खुदा और है। अरे गैरे की मिदहत मैं करता नहीं, अरे गैरे की मिदहत मैं करता नहीं, अरे गैरे की मिदहत मैं करता नहीं, मैं हूं नायाब मेरी अना, मेरी अना। मौला आपको और आपकी समातों को सेहत सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अरे भैया बहुत जी जी जी, मैं एक नया कलाम जो नेट पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि आपकी समातों की अदालत में हमारे भाईजान भी हैं, आप हमारे सरपरस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं और सब कुछ हैं, वो नहीं है मतलब जायज में गया था, भाईजान ने ही मदद किया था, तो वहाँ हर जितने नौजवान थे माशाल्लाह काफ़ी, हर आदमी कह रहा था पप्पा पढ़िए, पप्पा आप पढ़िए, पप्पा आप पढ़िए। दिल इतना बड़ा हो गया कि काश मैं भी पप्पा हूँ, लेकिन कसम खुदा की बहुत बहुत अच्छा लगा।
तो मेरी खुश नसीबी है कि आप तशरीफ फरमाए। देखिए मतलब हाँ नहीं मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मतलब आज का दौर नजर में रखते सरकार अगर अच्छा लगे तो दुआओं से जरूर नवाजिएगा। सर उठा के मातमी जो सरेआम चल रहा है, सर उठा के आज के दौर में सर उठा के मातमी दम से ये निजाम चल रहा है, है के जिस के दम से सब देखिए शेर हाजिर कर रहा हूँ। इसमें एक तरकीब है शहजादे अली असगर के लिए, ये शेर पेश कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक तरकीब का इस्तेमाल किया है, उसके लिए खुसूसी दुआ चाहूँगा। और शहजादे अली असगर आए कली में बेतकल्लुम ऐ शहंशह तबस्सुम, ऐ कली में बे तकल्लुम ऐ शहंशह तबस्सुम, तेरी उम्र से आगे तेरा नाम चल रहा है, तेरी उम्र से भी आगे कभी मुस्तफा के दर से कभी मुर्तजा के घर से जिस कैद में रखा था ए अमीरे शाम तूने, जनाब ज़ैनब के लिए शेर, जिस कैद में रखा था ए अमीरे उसी की बरकतों से तेरा शाम चल रहा है, अब उसी की बरकतों से है शरीयतों के ताज
सभी गैब पर है जाहिर। रसूल की कब्र मुबारक आप चुन नहीं सकते, बिदअत है। जन्नतुल बकी के अंदर जा नहीं सकते, बिदअत है। ये बिदअत है। ये ऐ शरीयतों के ताजी सभी गैब पर है जाहिर। ये हरम की आड़ लेकर जो हराम चल में नायाब लाना था, मेरी मजबूरी थी। आखिर में आ सकता था, आखिर में नायाब आ सकता था। हाँ, तो मैंने सोचा कि मक्ते के मक्ते जैसा कुछ कह दो, मक्ता नुमा, मक्ता नुमा। ये भी एक दरास तेरा है करम जो मेरे मौला, ये भी एक तरह से तेरा है करम जो मेरे मौला। अभी तक बगैर मक्ता ये सलाम चल रहा है, बगैर मक्ता। आप लोगों की अंजुमन भी होगी माशाल्लाह, है ना? अलमदारे हुसैन माशाल्लाह। और बस बिल्कुल अब चांद रात होने वाली है। आओ एक काम करें, करबलाम करें। आओ एक काम करें, करबलाम करें। आओ एक काम करें, आओ एक काम करें, करबला। भैया अंजुमन है आपकी माशाल्लाह, तो बस बिल्कुल वैसे ही जैसे अंजुमन में दोहराते हैं। आओ एक काम करें, आओ एक काम, जिंदाबाद। आओ एक काम करें, जाने क्या चाहते हैं फर्शे अज़ा के दुश्मन, कितने कम ज़र्फ़ हैं ये शर्मो हया के दुश्मन। कितने का क्यों कम ज़र्फ़ हैं, कितने कम ज़र्फ़ हैं यूं शर्मो ये शर्मो हया के दुश्मन। कलमा पढ़ते हैं
भतीजे का चचा के दुश्मन पढ़ते हैं भतीजे का चचा के दुश्मन दुश्मने मजलिसो मातम है खुदा के दुश्मन पर्दा इन लोगों के चेहरों से हटाना होगा वारिस कर्बला आपको आना मिलके पर्दा इन लोगों के चेहरों से इनकी पहचान मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, हमें लगता है कि कहीं भी मुलाकात हुई तो आपने पढ़ लेंगे पहचान। आओ एक काम करें, आओ एक काम सुन ले जो नाम वो बेसाख्ता लानत भेजे सुन ले जो नाम वो बेसाख्ता लानत भेजे सूरतें देखते ही आईना लानत भेजे सूरतें देखते ही आईना लानत भेजे फासला रख के हर एक फैसला लानत भेजे फासला रख के हर एक फैसला लानत भेजे ऐसे हाफिज हैं के खुद हाफिज लानत ऐसे हाफिज हैं के खुद हाफिज लानत भेजे आले इमरान की तफसीर कभी नुक्ता कभी आयत कभी कुरान पशक कभी नुक्ता कभी आयत कभी कुरान पशक कभी ईमान कभी साहिब ईमान पशक कभी कभी साहिब ईमान पशक मोसिने बानिए इस्लाम के एहसान पशक मोसिने बानिए
इस्लाम के एहसान पशक, हाँ तो फिर हमको भी है ऐसे मुसलमान पशक, हाँ तो फिर हमको भी है ऐसे मुसलमान पशक, हाँ तो फिर हमको भी है, है, है मिल के बोलिए, हाँ तो फिर हमको भी है टिमटिमाते हुए सूरज से तो जुगनू अच्छे, और ऐसे कमजोरफ मुसलमानों से हिंदू पादरी। आखिरी बन और इसके बाद एक बन और बस, समझिए दो बन की जहमत है। भाई दोनों बंद आपकी नजर कर दे रहा हूँ ताकि आप मुझे कम से कम एक साल की मोहलत दे दें वो पढ़ने के लिए। मौला आपको सलामत रखे। काम करे करबला, मिल के बोलिए, देखिए बोलिए भी और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए कि वो बोल रहे हैं या चलिए। करे करबला करबलाने को सब जिद पाड़े रहते हैं, करबलाने को सब जिद पाड़े रहते हैं, करबलाने को सब जिद पाड़े रहते हैं, आसमां वाले यहीं आके पड़े रहते। माँ वाले यहीं आके पड़े रहते हैं, हाथ जोड़े हुए जिब्रील खड़े रहते हैं, इसका मतलब है यहाँ कोई बड़े मतलब है यहाँ कोई बड़े रहते हैं, इसका मतलब चांद सूरज को इशारों पर चलाने वाले, हाँ यही रहते हैं कुरान के घराने। आखरीबन और जमत तमाम आप होंगे और ये बन देखे। मरहबा इसे फरहान अली वारिस ने अपनी कैसेट में भी शामिल किया है। मरहबा चेहलू में शब्बीर मनाने वाले, मरहबा चेहलू में शब्बीर मनाने वाले, गोशे गोशे से चले आते हैं आने वाले, महवे हैरत है उमैया के घराने वाले, महवे हैरत है उमैया के घराने वाले, कह रहे हैं
शर्त मजहब नहीं जिसमें वो इद